अभी हो रही हूँ, मैं रेडी जा रही हूँ जिम, फिर जिम से आके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ विद द वर्कआउट। अब जो है इसके पंखे का आवाज आ रहा है एक्चुअली, बस इग्नोर करें। जी आ गई जिम से और फ्रेश वगैरह हो गई हूँ मैं। अब जस्ट थोड़ी सी स्किन केयर करूँगी और उसके बाद जो है मुझे ये सारा समेटना है। कल से जैसे आई थी मैंने सब फैला के रखा था और कुछ भी नहीं समेटा। अब जस्ट जो है कपड़े वपड़े समेटूँ, थोड़ी स्किन केयर करूँ और उसके बाद कुछ खा पी लूँ। एंड अगर टाइम मिला तो आज ये भी क्लीन करूँगी। यार ये बड़ा मुश्किल है क्लीन करना, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको क्लीन करने में, एक से डेढ़ घंटा तो कहीं गया है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, ये अम्मी ने बनाया मिनसो के लिए, कितना क्यूट है, कितना प्रिटी है। और ये वाला देखिए, ये भी अम्मी ने बनाया है और दोनों कैसा करती है पिक्चर में दिखाऊंगी। अम्मी ने ऑलमोस्ट 4 बनाए हैं। ये देखिए भाई सबिना क्या बना रही है, हेल्दी कोकोनट लड्डू। हेल्दी कोकोनट लड्डू? Yes. ये हेल्दी कैसे हो यार, थोड़ा दिखाए लोगों को। ये देखिए गाइस, कोकोनट सीम्स सो यम। अच्छा Yes. ये कैसे बनाया, आप रेसिपी तो शेयर करती। पहले मैंने कहा ट्राई तो करूं, सक्सेसफुल होगी फिर। चलो आपका सक्सेसफुल गया। Yes. और दोस्तों अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ड्रॉप कॉमेंट, फिर हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए बनाएंगे। ओके सभी ना सुगड़े बच्ची, ये क्या है, इसे बनाया। बाद में हमें टेस्ट भी करवाओ, फिर हम रेट करेंगे, फिर हम सच्ची दोस्तों को बताएंगे। ओके चलो डन, अभी मैं चाय बना लूँ अब्बू के लिए। देगड़ी उठा के देता, वो देगड़ी ये कैसे बिना चॉकलेट वाला ट्राई कर रही थी जो कि पचका हो गया। अच्छा तो ये फ्लॉप हो गया आपका। नेक्स्ट टाइम। चलो कोई बात नहीं, ये बड़े यम्मी लग रहे हैं गाइस। सबिना ये मेरी बर्थडे पे भी बनाना, सजाएंगे। वैसे भी हम इतना मीठा नहीं खाते, वो नॉन मीठा लवर सिर्फ सबिना ज़्यादा खाती है, हम लोग खट्टे लवर है, खट्टे खट्टे लवर। चलो हाँ बहुत, आप भी बड़ी प्यारी लग रही हो। टन टन इस तरह से भी वाह। शाम हो चुकी है, अभी जो है मैंने खाना शाना खा लिया था पहले ही, तो अभी जो है मैं अपने बाल बाल बंद करते नीचे जाते हैं, नाश्ता वाश्ता कल के लिए लेकर आते हैं। टेलर के पास भी जाना था, कॉल्स कर करके थक गई हूँ। पूरा एक मंथ हो गया अब तक टेलर ने मुझे कपड़े नहीं दिए। यार ये टेलर्स के पंगे सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही, आपके साथ भी होते हैं। जब हम नीचे जा रहे हैं, मैं जाके न्याज लेकर आती हूँ और चलो आमना फिर आके मिलते हैं। आमना मेरे साथ चल रही है, सभी ना सो रही है। यही वाले चाहिए ना, चाहिए तो ये नहीं, अच्छी ये के लिए चेंज करके दो रखो करके देती हूँ। छोटू वाले चाहिए? नहीं नहीं चाहिए। ब्रेड ये पकड़ी, जो हमें बन चाहिए वो नहीं है। ये ले ले कम ना, पानी कितने दिनों की पड़ेगी, ऐसे भूख बन के खड़ी हुई हो। काय कुटर कुटर देखे नहीं देखा, ये हम लाए। अच्छा तो गाइज हम लाए हैं ये अपना नाश्ता, पापे शापे ये वो, और न्याज के लिए ये मैं केक लाई हूँ। एंड हमारी बहन आमना भलक्कर को लगा लाइट नहीं है, पर लाइट है। चलो जी तो ऑलमोस्ट मेरी चाय बन चुकी है, मैं सबिना को बुलाती हूँ वो चाय निकाले, जब तक जो है मैं केक वगैरह पे नियत करके आती हूँ। क्योंकि आज जुमेरात है, तो जुमेरात मौलाली का मैं मोत्सा जो है तेज़ पढ़वाती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मौलाली पे, इसलिए तो चले बाकी ट्रेनिंग में नहीं जाते, तो मैं अभी नियत करके आती हूँ। जब तक सबिना चाय निकाल लें, सबिना आ जाओ चाय निकालो। निकालने की आवाज़ ही नहीं सुन रही, चलो हम ही निकाल लेते हैं जब तक। चाय निकल गई, थोड़ा सा क्लीन श्लीन करूँ इससे पहले कि अम्मी की डांट पड़े। क्लीनिंग करना ज़रूरी है, अम्मी को साफ सुथरा किचन पसंद है। हो गया क्लीन, अब लेके चलते हैं चाय। ये आदमी मेरे को नहीं पसंद, डुबा दे सारे को, डुबा दिया। गाइस अभी हमारी चाय सेशन हो रहा है और ये सबिना ने बिग बॉस चलाया, अभी हम बिग बॉस देखेंगे और आमना आपको इसके बारे में कुछ बाद में बताएगी। अभी वो खा ले, अभी इसकी चाय ठंडी हो जाएगी। तो जी अब मैं बना रही हूँ अपने लिए कबाब और उसके बाद कुछ डिनर शिनर करती हूँ। आज मुझे वीडियो भी बनानी है, बहुत सारे काम हैं। और यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल रखी हुई है ताकि मैं कुछ देखूँ करूँ, टाइम पास हो जाए मेरा। बिस्मिल्लाह
ऑलमोस्ट रेडी जी। तो मैंने ये कबाब फ्राई किया है और थोड़ी सी देखिए सब्जी निकाली है, रोटी लेते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माय डिनर। ये है बस मेरे डिनर में आज, मुझे ये पार्सल्स अनबॉक्स करने, ये फाइनली मैं अनबॉक्स करके रहूँगी। अभी थोड़ा कुछ खा पी लूँ और आज मुझे कंटेंट भी क्रिएट करना है। ये जो है मैंने दुपट्टे निकलवाए हैं क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, ये थोड़ी मैं कटिंग करवाऊँगी अम्मी से और कल इंशाल्लाह जाके पिको करवा के आऊँगी। और ये ड्रेसेस आपको याद होंगे, एक मंथ हो गया है, पूरा एक मंथ हो गया। मैं 1 अक्टूबर को देकर आई थी या उससे भी पहले देकर आई, हाँ उससे भी 2-4 दिन पहले देकर आई थी, अब तक टेलर ने नहीं दिया यार। ये कसम से दिल करता है इस टेलर का नाम मेंशन कर दो प्लीज़, इसे कोई नहीं सिवाय, पूरा एक मंथ हो गया ये मुझे इस तरह ही रुलवा रहा है, इसने मुझे अभी तक कपड़े नहीं दिए। और हालांकि मतलब मैं एक मंथ पहले देकर आई थी, 1 अक्टूबर से भी पहले या उससे, हाँ 1 अक्टूबर से भी 2-4 दिन पहले देकर आई थी, अभी तक मुझे इसने कपड़े स्टिच करके नहीं दिए। एंड उन्होंने मुझे कपड़े भेजे, वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी हैं, उन्होंने सब्र किया। अदरवाइज़ कोई और ब्रांड होता तो वो कसम से कहता कि मैं बहाने कर रही हूँ। और कब से हमने कपड़े दिए हुए अभी तक स्टिच नहीं हुए, टेलर ने अभी तक नहीं दिए, इस तरह से कैसे हो सकता है, मतलब कोई भी यकीन नहीं करता कसम से। थैंक्स टू हर, एक्चुअली 2 पेजेस हैं, 2 ब्रांड्स हैं जिन्होंने मुझे कपड़े भेजे, दोनों के मैंने दिए हुए अभी तक मुझे नहीं मिले, वो बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेट कर रही हैं, थैंक यू दिल से। बस मुझे जैसे मिले फिर मैं जल्दी स्टाइलिंग वीडियो बनाऊँगा। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग फ्रॉम किचन। तो चले जी बताते हैं रीमा के किचन में सबका स्वागत। तो चलिए जी बनाते हैं अभी नाश्ता। नाश्ता जो है मैं आज थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ, वैसे मैं जिम जाती हूँ तो जस्ट चाय बनाती हूँ और ब्रेड पे यू नो पीनट बटर लगा के वही खा के जाती हूँ। आज मैंने सोचा आज ऑफ है, जुम्मा है एंड जुम्मा मुबारक टू यू ऑल, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाया, अच्छा मतलब यू नो अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दैट, वैसे बना लिया। और आपने तो देखा होगा वेजिटेबल्स मैंने काटी, वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं, जस्ट टमाटोज एंड यू नो एक ग्रीन चिली काटी, बस वही डालूंगी। मेरी सामने वाली आंटी हमारी बहुत प्यारी है, ये देखें ये हमें कबाब बना के लेके गई है, क्या है कि आंटी की कुकिंग है सो वाव मस्त से, खा के बाद में बताती हूँ। ये देखिए जी हमारा बन चुका है, इसी में थोड़ा बहुत नमक डाल दूँगी, आज कर देती हूँ बंद। यहाँ पर बन गई हमारी चाय, चाय निकालते हैं। सो जी बन गया, ये देखिए मेरा हसीन वाला अंडा, चाय एंड ब्रेड, ब्रेड जो है मैं 1 या 2 लूँगी बस। यार जैसे कि लाइट गई हुई, लाइटिंग की बड़ी सारी कमी है, तो मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ते के बाद मिलती हूँ। और उसके बाद आज जुम्मा है तो कुछ स्पेशल बनाएंगे, देखूँ कुछ फिश वगैरह बनाती हूँ या चिकन बनाती हूँ, वैसे तो अम्मी ने बनाया ही है तो फिर भी देख लेते हैं कुछ बनाते हैं। और उसके अलावा जो है बस सबको जुम्मा मुबारक एंड नमाज़ पढ़ी इबादत करते हैं बस। तो जी फाइनली ये देखिए मैंने सारा सामान निकाला है ये गिव अवे के लिए, जो मेरी ज़्यादा न्यू चीज़ें हैं जो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की, ये सारी वो है। ऐसा करती हूँ मैं 2 विनर कर लेती हूँ क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है, ऐसा 1 विनर में मतलब चांस नहीं मिलेगा ना, इसीलिए मैं 2 विनर्स करूँगी। चलिए जी तो अनबॉक्सिंग करते हैं। और अक्टूबर का मेरा फर्स्ट गिफ्ट, तो ये जो है मेरा फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट है बिफोर माई बर्थडे, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। चले जी ये देखिए मैंने खोल लिया, ये मैं सारा दिखाती हूँ, सो ब्यूटीफुल। तो जी इसको जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इस तरह से जो है हम अनबॉक्सिंग भी करते हैं मेरे फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट की। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है। फर्स्टली लुक एट इट, इसको छुपा देते हैं। ये देखें ये बहुत ही ट्रेंडी से, बहुत ही प्यारे से ये इयर रिंग्स हैं और ये आजकल बड़े चल रहे हैं, आपने देखा होगा ऐमन खान ने भी पहने थे, उसके अलावा बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये पहने थे। और इस पेज से ये आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे, बहुत रीज़नेबल प्राइस में एंड क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। ये देखिए पीछे से ये हुक लगे हुए हैं और उसके अलावा ये रेड वन, अब इसको छुपा देते हैं। ये देखें ये रेड वाले भी बहुत प्यारे हैं, यहाँ से दिखा दूँ मैं, और मुझे बहुत प्रिटी लगे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाती हूँ एंड लुक एट इट, ये देखें ये स्काई ब्लू के हैं, ये कितने प्यारे हैं एंड ये मुझे बहुत प्रिटी लगे हैं। ये भी ये जो है ये मैंने चूज़ किए थे और इसके अलावा ये ग्रीन चूज़ किए थे, ये उन्होंने खुद भेजे हैं रेड वाले। एंड दिस वीकेंड से माय फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट, सो थैंक यू सो मच। एंड ये देखें ये येलो वाले हैं, ये भी मैंने चूज़ किए थे। बैक साइड से भी जो है मैं थोड़ा सा दिखा दूँगी, अभी यहाँ से दिखा दूँ, ये ब्लैक येलो वाले जो है ये भी मैंने चूज़ किए थे, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। मेरे पास जो अभी ड्रेस आएगा उसके कॉम्बो पे जो है मैंने ये लिए थे।
और ये जो है ये उन्होंने खुद भेजे, ये भी बहुत प्यारे हैं, पहनने से बहुत प्रिटी लगेंगे। और अब बात कर लेते हैं इनकी क्वालिटी की एंड प्राइस की। क्वालिटी इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी एंड प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। इसका पेज जो है मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, तो आप इन्हें जाए ज़रूर फॉलो करें। न्यू पेज है, आप इन्हें आपके यू नो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इन्हें सपोर्ट करें, फॉलो करें और जितना हो सके इनसे ऑर्डर करें। वैसे भी शादी सीज़न आ रहा है तो ज्वेलरी तो कंपलसरी चाहिए ही होगी हमें, तो अभी जाके इन्हें फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे डाल दूँगी और जितना हो सके जो हो सके ऑर्डर कीजिएगा। सो वी कैन से दिस इज माई फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट, सो थैंक यू सो मच। गाइज ये देखिए आज कौन आया है, आप लोगों ने इन्हें कभी देखा नहीं होगा, पर ये मेरी अनदर मदर सिस्टर्स हैं जो आज आई इतने दिनों के बाद। हर नेम इज सारा, हर नेम इज रिदा। रिदा मेरे दोस्तों को हाय करें। हेलो। सारा मेरे दोस्तों को हाय करें। गाइस। रचना, इसको तो आप जानते होंगे, रचना मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप इतना रूड क्यों हो यार, व्हाई यू आर सो रूड। खाने दोगी? खा लो। और गाइज ये देखें इनकी पिज्जा पार्टी हो रही है और इन लोगों ने हमें सलाह भी नहीं की। प्लीज सलाह क्यों नहीं की रचना हमें? तो हम क्या पड़ोसी के पैसों से मंगवाते? चलो आप लोग इनवाइटेड हो मेरी बर्थडे पे आना, ठीक है? घर में ही छोटी सी छोटी मोटी। पर मुझे मजा आता है इनवाइट करने में, छोटी छोटी सी पार्टी, छोटी छोटी कौन सी पार्टी है हमारे घर में मुझे पता ही नहीं है, मेरे घर में नहीं रहती ये सब। अरे घर में नहीं रहती। आज मेरी फ्रेंड आई है मेरे लिए केक लाई, मैंने पास्ता ऑर्डर किया था उससे, आई मीन सैलेड भी ऑर्डर किया था। आजकल मैं डाइट पे हूँ, मैं पतली हुई हूँ गाइस। चलो इसको छोड़ो, रहने दो। हाँ तो मैंने उनसे ऑर्डर किया था, वो मेरे लिए गिफ्ट लाई है केक, मैं फर्स्ट बर्थडे केक। मुझे नहीं पता था तो अभी तो वो आई है रचना। ओ पार्टी की बात कर रही हूँ तो वो अभी अभी तो मैंने डिसाइड किया। चॉकलेट? हाँ कल भी आने वाला एक, वो आप बता दें आपको जो चाहिए फ्लेवर, कोई भी चलेगा। परसों भी एक आने वाला है। सब चलेंगे ना? सब चलेंगे। चलो ठीक है, डन। रचना बंद करूँ कैमेरा? ओके।